इस समय हम लोग कोरोना के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। यह एक मुश्किल समय है, खासकर वो लोग जिन्हें किसी भी तरह की बीमारी है, उनको इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है। वो लोग जिन्हें विशेषतः हृदय की बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट फेलियर है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, ऐसे मरीज़ विशेषतः यदि इनको कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें गंभीर लक्षण होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए यदि आपको किसी भी तरह की हृदय की बीमारी हो, आप उसके लिए दवा ले रहे हों, तो आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए कि आप कोरोना के संक्रमण से बचे रहें। इसके लिए लगातार मास्क पहनें अगर आप घर से बाहर जाते हैं, और बराबर अपना हाथ धोते रहें। और यदि आप कोई भी ऑफिस वर्क करते हैं तो कोशिश करें कि आप घर से अपना काम कर सकें। जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है और उन्हें हृदय की बीमारी भी है, उन्हें हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें अपने घर से बाहर ना निकलना पड़े। हृदय के रोगियों को ऐसे समय में यदि आप अपने डॉक्टर से नहीं मिल पाते हैं, उनसे सलाह नहीं ले पाते हैं, तो जो भी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं उनको नियमित रूप से लेते रहें, और अपने घर के अंदर ही जो भी संभव हो वो एक्सरसाइज हल्का फुल्का करते रहें। ये आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए और आपके सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। सुरक्षा रखें, सावधानी रखें और इन्फेक्शन से बचे रहें।